यार ये यूके आके सड़क पे जो आप गोरे गोरे टीनेजर्स को देखते हो ना, जो बड़े खूबसूरत और हैंडसम लग रहे होते हैं, आपको इन पे कभी एतबार ना करना। अब हुआ ये कि मैं ना सड़क पे फुटपाथ पे चल रहा था, ऐसे जा रहा हूं, और सामने से एक गोरा लड़का और गोरी लड़की आ रहे हैं। मुझे लगा कपल है, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे, चल रहे होंगे, इनके यहाँ रिवाज ना ही चल सकते हैं यहाँ पे लड़का लड़की ओपनली सड़क पे। तो मेरी नजर पड़ी लड़का और लड़की पे, लड़की भी थोड़ी ज्यादा पड़ी, पड़ी जाती है नजर, इंसान है, इधर उधर निकल जाता हूँ जज्बात में कभी कभी, लेकिन मैंने नजरें झुका ली और मैंने कहा चुप करके जैसे मैं निकल जाऊंगा यहाँ से, जैसे मैं हमेशा करता हूँ, मैं कभी किसी को तंग नहीं करता, किसी को ताड़ता नहीं हूँ, और ताड़ता भी हूँ तो किसी को पता नहीं लगने देता। तो मैं चुप करके गुजरने की नीयत से वहां से चल रहा था, पर जैसे ही वो लड़का और लड़की मेरे पास से गुजरे ना, लड़के ने क्या किया मुझे तंग करने के लिए ना, मुझे डराने के लिए, अपनी लड़की को धक्का मारा ऐसे करके, और वो लड़की मेरे पे आके गिरी। लड़की का अच्छा खासा कंधा मेरे कंधे से टकराया और एकदम से हमने ऑकवर्ड नजरों से एक दूसरे को देखा। आंखों ही आंखों में ना मुझे थोड़ा सा प्यार हो गया और बॉलीवुड का गाना चलने लग गया बैकग्राउंड में, तो एक सेक्सुअल टेंशन सी क्रिएट हो गई। मुझे मजा आया कि पहली दफा किसी गोरी लड़की ने आके मुझे टक्कर मारी है, मैं बड़ा खुश। लेकिन उस लड़की ने आगे से पता क्या, उसने कहा आई एम सो सॉरी, आर यू ओके, सॉरी माई बॉयफ्रेंड इज एन एज हो, प्लीज डोंट माइंड। तो फिर मुझे लगा कि ना उसके बॉयफ्रेंड ने बेसिकली मेरे साथ एक बुलिंग वाली हरकत की है, एक रेसिस्ट हरकत की है, कि एक ब्राउन लड़के को चलते चलते डराया है। लेकिन जिस तरह उसने मुझे डराया है, जिस तरह से उसने मुझे बुली किया या रैगिंग किया मेरी, मुझे तो उसमें मजा आने लग गया। या तो वो अकेला आके मुझे टक्कर मारता था, मुझे उस पर गुस्सा भी आता लड़के पे, लौंडे को लौंडा टक्कर मारे, लौंडे का दिल करता कि अगले को मुक्का मार के वापस जवाब दे। लेकिन ये कौन सा तरीका बुली करने का या रेसिज्म करने का, कि गोरा लड़का अपनी बंदी को टक्कर मार रहा है और इस तरह की वो बंदी मेरे पे आके गिरे और मुझे टच कर ले, और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे गुस्सा आएगा इस बात पे, भाई तुम दो दफा करो, ये तीन दफा करो, हम तो पाकिस्तान से यही तो करवाने आते हैं कि गोरी लड़कियां हमारे पे गिरे आके मरे हमारे पे। तुम रेसिज्म सही नहीं कर रहे हो, बुली सही नहीं कर रहे हो, तुम्हें डायरेक्टली करना चाहिए। तुम मुझे ऐसी तकलीफ क्यों दे रहे हो जिससे मुझे मजा आ रहा है? हम तो पहले डेस्परेट है एज अ कॉम, हमारा तो बचपन से यही सपना है कि भाई सम व्हाइट वुमन शुड हिट ऑन अस। अब लिटरली हिट ऑन मी तो किया लड़की ना, शी हिट मी हेयर हियर, लेकिन मैंने बाद में डिक्शनरी खोल के देखा था हिट ऑन मी का मतलब कुछ और होता है। हिट ऑन मी का मतलब टक्कर मारना नहीं होता, उसका मतलब होता है आंख में टक्का करना, गंदे गंदे इशारे करना लड़के को। मुझे लड़की ने हिट मी किया, हिट ऑन मी नहीं किया। मुझे अभी भी गुस्सा है कि सही तरह नहीं किया उन्होंने। इसे मैंने बताना था, ये गोरे लड़के जो होते हैं ना, कभी कभी सफेद मुल्कों में ना आपके साथ रेसिज्म करते हैं, लेकिन उनको सही तरह रेसिज्म करने नहीं आता। अगर आपके ऊपर भी किसी और मुल्क के अंदर कोई गोरा बंदा अपनी गोरी बंदी को टक्कर मार के आपके ऊपर फेंक देना, तो आपने ना गुस्सा नहीं करना, आपने उसको जाके बताना भाई आप ये जो कर रहे हो आप सही नहीं कर रहे हो, आप खुद मुझे मुक्का मारो, लड़की को मेरे ऊपर फेंकोगे तो मुझे मजा आने लग जाएगा, ऐसे ना किया करो। टीच हिम द ट्रू डेफिनेशन ऑफ बुलिंग एंड रेसिज्म सो दैट दे कैन डू इट प्रॉपरली, ताकि आप पुलिस को जाके प्रॉपरली कंप्लेन तो कर सको ना, हाँ यार मुझे मेरे साथ ज्यादती हुई है, जुल्म हुआ है मेरे साथ। अगर पाकिस्तान से यूके आना है और अभी गलत मुलत का रेसिज्म करवाइया ना अपने साथ, तो फिर इधर ना आना यार।